गाइस मैं ऊपर आ गया और यहाँ नीचे मेरे ड्रोन के पीछे लोमड़ी लगी है। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो। अरे 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 स्नैप जा रही है। 2-1 गाड़ी बंद है और पीछे जा रही है पीछे। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने, बट ब्रेकफास्ट करने से पहले एक दिक्कत हो गई है। गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं हुआ। अरे यार, सबसे पहले मेरी गाड़ी में जो कमी आई है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जब आप पहाड़ों पे आते हो इस साइड आओगे तो आपकी गाड़ी धुआं छोड़ने लगी, जैसे कि मेरा एग्जॉस्ट पूरा काला हो गया, इसकी टिप खो गई थी, तो ये देख रहे हो टायर पूरा काला हो गया। मेरे को लगा कि इंजन में प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग आ रही है और यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे हार्ले डेविडसन, अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग में नहीं देखी तो देखो। धुआं यहाँ पे सारी गाड़ी छोड़ जाती है, चाहे छोटी हो जाए। छोटे गाड़ी क्या पेट्रोल वाला तो नहीं छोड़ते हैं ज्यादातर, डीजल में चाहे बड़ी हो या छोटे हो सारे सब छोड़ जाते हैं। ठंड में कैसे आप स्टार्ट करते हो अपनी गाड़ी? ठंडे में क्या करते हैं कि हम डीजल गाड़ी हो तो क्या करते हैं कि रात को एक बार स्टार्ट कर देते हैं घंटे के लिए, मतलब बीच बीच में रात को बीच में टॉयलेट के लिए उतरते तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। डीजल गाड़ी होगा तो फिर अच्छा, अगर डीजल जम जाता है ना। मैंने धूप में थोड़ा देर इसको रखी है, हम करके आते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं अभी। तो अभी अपना आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, अब हम ब्रेकफास्ट करके आ गए, अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। और अपन ट्रैकिंग पे भी जाने वाले हैं, कैंपिंग भी करने वाले हैं, 3-4 दिन लद्दाख में हूँ, पूरा चप्पा चप्पा छान देगा तुम्हारा भाई। तुमने नजर लगा दी था आरके, बोल रहे थे ना अच्छी चल रही, अच्छी चल रही थी, अचानक से स्टार्ट होना बंद हो गई। बहस किया, बोल रही थी मत बोलो मत बोलो, तारीफ करने वाली चीज ये है थार और एक तुम। करो लोगों की नजर लग जाती है, नजर लग जाती है ना। टोटल कवर करनी है 6 चीजें और देखते हैं लाइन पे बने रहो कैसे कैसे कवर करेंगे, बढ़िया माहौल होने वाला है। मेरी ड्रीम थी लद्दाख की, अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, कारीगरी कितनी सुंदर है यार, ऑफिस के लिए ले जाऊंगा यहाँ साइड। मन कर रहा है सच में लेने का। तो वैसे तो देखो ये मिट्टी के पहाड़ों के बीच में है, बट यहाँ भी हल्की सी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं थोड़े बहुत। कल हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, वहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो कल वाला व्लॉग जरूर देखना जो कल आएगा। वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ के लोकल गाइड मेरे साथ जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, पूरी हिस्ट्री समझाएंगे। यहाँ के लोगों को चैन नहीं है, ऑन ही मारता रहेगा, 800 है, सोच रहा है भूसा भगा लो। ओए ग्लेशियर भाई कितना तगड़ा है, सामने वाला ग्लेशियर जोरावर फोर्ट कितना सुंदर है यार, जोरावर फोर्ट नहीं देखो चारों तरफ पानी का वो डाला हुआ है ताकि कोई अंदर ना जाए। डेडिकेटेड टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेट नुन्नूस। यहाँ के पहाड़ देखो चारों तरफ बड़े सही है यार, वो देखो बादलों का इफेक्ट आ रहा है पहाड़ों पे। तो गाइज वो कितना सुंदर लग रहा है वो देख रहे हो, पहाड़ों के ऊपर शायद कोई मोनेस्ट्री टाइप बनी हुई है, वहाँ भी चलेंगे अपन। और ये देखो यहाँ भी पहाड़ों के ऊपर कुछ बना हुआ है मंदिर सा। एक चीज़ और बता दूँ मेरे देखो मैं पहली बार आया हूँ, कुछ मेरे को पता नहीं इतना, तो कुछ आगे पीछे शब्द हो जाए तो भाई माफ कर देना। तो मनीषा चली गई सनरूफ पे। हाँ जी, आर्मी वाले हाई कर रहे हैं। और ये पूरा जितना आप फेंसिंग देख रहे हो आगे से लेके पीछे तक, ये सारा आर्मी का एरिया है, और ये वाला भी आर्मी का ही एरिया है। गाइस प्लेन लैंड हो रहा है और देखो फुटेज देखो भाई साहब, प्लेन लैंड हो रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। वाओ अरे गाड़ी लॉक हो गई यार। वाओ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है गाइस, हर 5-10 मिनट बाद कुछ ना कुछ उड़ रहा है, क्या भाई मैजिकल मोमेंट है ये सारी। चलो खोल दो ना, फिर से खोलूं? हाँ खोल दो ना, खोल दे प्रीता मंत्रा। सही सही वीडियोस देखते हैं, कैसी लगती है? सुपर, कैसी लगती है? बढ़िया यार, बर्फ कब पड़वा रहे हो फिर? अभी नवंबर, नवंबर में पड़ जाएगी, बोलो 3-4 दिन में हम देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सीन है। अच्छा यहाँ पे प्लेन डेली आते हैं इसमें? डेली आते हैं, डेली आते जाते रहते हैं, तो इसमें अपन एंट्री नहीं कर सकते, मुश्किल है। अच्छा ये आर्मी एरिया, लेकिन बहुत सुंदर है भाई ये सब देखो। वो आ गया प्लेन, आ गया इंडिगो का आया, ये तो कमर्शियल वाला है। सुंदर है यार, यहाँ
यहाँ की जो ग्रिल देख रहे हो, इस ग्रिल पे बॉटलें लटकी हुई हैं। तो मैंने पूछा सर बॉटलें, ओए प्लेन। यहाँ मतलब इतनी फ्लाइटें उड़ रही हैं हर मिनट, इतनी तो दिल्ली में ही नहीं आती होंगी वैसे क्या। तो इन्होंने बोला हम बॉटल इसलिए लटकाते हैं क्योंकि यहाँ डॉग्स नहीं आते बॉटल की वजह से। मैंने ऐसा क्या लॉजिक करे, है कोई टेक्निकल टर्म है, कुछ कलर्स डालते हैं बॉटल में, उससे वो डॉग्स आते नहीं उससे। तो आगे कैमरामैन जा रहे हैं, देखो ऐसे रोड रोक लेते हैं, अच्छा सर जा रहे थे तो गाड़ी में कोई आई पूछ के कोई गए होंगे। तो ये देखो रात को हम कहाँ से आए थे और क्या रोड है, एकदम चिकनी, एकदम ताज एक्सप्रेस वे जैसी रोड है और माहौल बहुत सुंदर हो रखा है यहाँ। मैं क्या बोलूँ कि जितनी तारीफ करूँ इस जगह की उतनी। गाइस देखो फाइटर जेट वहाँ लैंड करेगा इन पहाड़ों के बीच में मेरे ख्याल से। ओ भाई अल्टीमेट, इतना छोटा सा लग रहा है पहाड़ों के बीच में। तो अभी गाइस रोड से चलते चलते मैं साइड में आ गया, मेरे को एक चीज दिखी, तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज देखो। ओए ओ फाइटर जेट। तो अभी मैं यहाँ रुका था, मेरे को ये पूरी ऐसा लग रहा था जैसे काबुल के रेगिस्तान हो जाते हैं ना, और वैसी मेरे को एक ये हट सी दिखी। ये देखो यहाँ से फायरिंग वायरिंग करते हैं। बाप रे, तो फटाफट चल के देखते हैं क्या है अंदर। है कोई घर के गया है ना यहाँ पे? अंदर तो गंदगी पड़ी हुई है, मतलब किसी ने यूज किया है इसको, है ना, दारू वारू पिए यहाँ पे। और क्या मटेरियल क्या है ये देखना, ये जो है ना वो होते हैं ना पत्थर, ये पत्थर का जो पहाड़ है, ये यहाँ वही है वो। ऐसी बहुत सारी हट बनी हुई है यहाँ पे, बट ये आर्मी अभी यूज कर नहीं रही है। तो आगे तक बने हुए हैं, आगे तक ऐसे बने हुए हैं। तो यहाँ की मिट्टी अलग सी है यार, देखना कंकड़ वाली मिट्टी, वो जो है ना मतलब जिस पे अगर बैठो तो बम छिल जाए। तो देखो हम जा रहे हैं, हमारा पहला पॉइंट है संगम, और संगम से वापस जाते लेक की तरफ जाते जाते हमारे सारे पॉइंट पड़ेंगे लाइन लाइन से, मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा वो सब कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं ऊपर से, मैं दिखा दूँ संगम ऐसे, एक रिवर वहाँ से आ रही है, एक यहाँ से जा रही है, और दोनों ऐसे मिल के आगे जा रही हैं। अभी हम आ गए हैं संगम पे जहाँ पे दो रिवर मिलती हैं। ये है वो संगम वाला एरिया, सही है बहुत, आसमान बहुत साफ है यहाँ पे। नहीं मुझे पहचानो मैं कौन ये धूप के मारे आई है पूरा कवर होके ताकि काली ना हो जाए। हम सोच रहे हैं यहाँ पे राफ्टिंग करने की, वो देखो पानी कैसे मिल रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ पे होती है राफ्टिंग वाफ्टिंग। तो मैं सोच रहा हूँ राफ्टिंग करें बट मेरे पे टाइम थोड़ा कम है, आज पूरा घूमना है तो आखिरी दिन करें राफ्टिंग, क्या बोलती हो? और मुझे पता है तुम्हारा आखिरी दिन सोच के राफ्टिंग होगी, क्यों नहीं होगी? पैसा बहुत आता है यूट्यूब से, पैसा आता है टाइम नहीं आता। तो ये देख लो यहाँ पे मिल रहा है पानी, वहाँ से देखो ध्यान दोगे ये ग्रीन पानी है, वो ब्राउन पानी है ना, सही कह रहा हूँ ना भाई? बिल्कुल करो भाई तो जानते हैं भाई भी अभी हमें तो बढ़िया है सौदा यहाँ गहरा होगा यार, देखो सोच तो ही रहा गाड़ी टो के जा रही है यहाँ पे। अरे यहाँ पे भी है, दिल्ली में तो जो मर्जी उठा लेते हैं, बेचारा साथ ही गलत लगा रखा है। अरे गाड़ी पे बैठा हुआ बंदा है अभी हम आ गए मैग्नेटिक हिल में, तो आपको यहाँ की बढ़िया बात बताता हूँ, चारों तरफ पहाड़ बहुत सही लग रहे हैं। नहीं तो मैग्नेटिक हिल द फिनोमेना दैट डिफाइंस द ग्रेविटी पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड, तो इसमें एक कुल मिला कि ये कह रहे हैं कि वहाँ लाइन है, लाइन पे गाड़ी खड़ी करोगे तो ग्रेविटी के कारण गाड़ी अपने आप पीछे सर की चली आएगी। तो अभी सीन ऐसा है, मैं मैग्नेटिक हिल का आपको सीन बताता हूँ। व्हाइट पट्टी है देखो, इस व्हाइट पट्टी पे अपन गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी करेंगे, ठीक है, और देखते हैं गाड़ी पीछे जाती है कि नहीं। गई है तुम्हारी? ट्राई करा पीछे जल्दी से, ट्राई करा खींचना है यहाँ पीछे की तरफ। बट यार एक ये भी तो है कि भाई ढलान है ऐसे, नीचे की तरफ ढलान है तो ढलान पे आप देखना, जाओ गाड़ी है ना वहाँ से सर देखो कितना ढलान है पता चले, तो ढलान तो आई जा वो तो वैसे ही जाएगी वैसे ऐसे। यहाँ पे यहाँ वाइट पट्टी ना, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, बीच में ये वाइट, इनको समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ देखो वहाँ ऊपर है या नीचे ढलान है ऐसे करके, तो ढलान पे गाड़ी खड़ी करोगे तो नीचे तो जानी है। गाड़ी बंद है और पीछे जा रही है पीछे,
अच्छा था? बहुत अच्छा था, मुझे भी ट्राई करना है। पर तुम ब्रेक नहीं मार पाओगी यार। चलो ठीक है छोड़ो। सही में पीछे जा रही थी? हाँ जा रही थी भाई, तुम गाड़ी के अंदर थे मुझसे पूछ रहे हो। मजा आ गया वैसे। क्या भाई इधर रही हो? भाई ऊपर भी जाती है क्या? हाँ क्या हाल है भाई? एक बात बताओ, थार चली जाएगी वहाँ पे? हैं चले चलेगा तू? और ये वाली भाई चली जाएगी? ये नहीं जाएगी। क्यों? ये छोटी है ना, थार ले जाओ। आप कुछ नहीं देखा था मैंने आपका वीडियो। अच्छा यूट्यूब पे देखता यार मैं? 4 साल 3 साल देखता रहता। अरे बहुत ही बढ़िया, चलो आज भाई के साथ बनाते हैं वीडियो। तो मनीषा अब चलाएगी ये? हैं चला लोगी? पता करूंगी ना कैसे चलती है। चलाओ चलाओ, मत गिरेगा नहीं है। और चालू कैसे होगी? चालू नहीं होगी, बट रहने दो, रेस दो। चालू है तो छोड़ो ना, चालू हो क्या कर। रेस दो रेस दो रेस दो रेस दो ना, रेस दो रेस दो। ये अरे रुक जाओ, मेरे को तो बैठा लो थोड़ा, मेरे को बैठा लो बस। यहाँ से है टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ये? टेढ़ी मेढ़ी हाँ ऐसी चलती है, थोड़ी ऑफ रोडिंग होती है। गाइस बैठ गए हम दोनों। चलो चलो चलना 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 ना, चलो चलो। मेरे को लग रहा है डर। मुझे भी लग रहा है। लेफ्ट लेफ्ट लो, लेफ्ट 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 लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो। अरे 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 अपने आप जा रही है ना जाने में। लेफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट लेके अब स्पीड दो हल्की सी, दो 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 दो। चलाओ खेचो, मनीषा नहीं चला पा रही है। ज्यादा स्पीड नहीं, हल्की 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 हल्की। कैसे चला रही हो यार? बहुत खतरनाक है। Scary है ये, लड़कियों को तो कुछ नहीं चाहिए, बुलेट नहीं है बेटा जो चालू कर दी और भगली। लाडली ने चला ली। झंडे में तो झंडे में नहीं घुसे। तो अब इसको चलाता हूँ मैं और देखते हैं मैं कैसी चलाता हूँ। अपन चल दिए, मेरे को तो आदत है गाइस। मैं भी एक बार कमेंट करके बताओ कि मेरे को ये खरीदनी चाहिए कि नहीं। कहाँ चलाओगे? घर में? हाँ गली में। गली में कुछ भी मतलब देखो, कुछ भी बोलता है। अब ये बताओ थार वहाँ जा सकती है? ले जाए, जा सकती है थार। चलो अब अपन थार को उस पहाड़ पे लेके चलते हैं। चले बड़ी लकड़ी लेने की आदत पड़ी। हाँ बहुत गहरी आदत। तो गाइज मेरी सबसे एक्साइटिंग मतलब चीज जो लेवे में करूंगा वो अभी होने वाली है। मैं पूरे पहाड़ पे चढ़ाने वाला हूँ, इस वाले पहाड़ पे ऑफ रोडिंग करके था, तो ये देखने वाला नजारा होगा। और ड्रोन से शॉट लेंगे, सिर्फ अपनी गाड़ी का लूंगा, ज्यादा चीज दिखाऊंगा नहीं सिक्योरिटी पर्पस के चक्कर में। तो अपन चल दिखाता हूँ आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपनी, मैं इस पे 4x4 डाल दूँ। बहुत ही सही, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखो ना इसमें व्यू कितना सही आ रहा है। अरे बस बस रोक रोक रोक, अरे काले के जाओगे तुम? वाह बस जाएगी आगे गाड़ी। ऊपर मैं देखना चाह रहा हूं ऊपर का नजारा क्या है। हाय फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है ऊपर। सब गिर रहे हैं यहां पे हैं और ड्रोन गाड़ी फिसल रही है, हमारी गाड़ी फिसल रही है। लोमड़ी लगी है वो देखो, वो लोमड़ी आ रही है ड्रोन के पीछे। तो मेरी थोड़ी फट रही है तो वो पास आते ही जा रहा है। देखो वहाँ मेरा वो कैमरा रखा है और मेरा ड्रोन ये रहा और लोमड़ी आ रही है पास में। अभी हम यहाँ आए हैं डीजल डलवाने, क्योंकि मेरी टंकी हो गई है आधी और जब भी आधी होती है टंकी मैं फुल करा लेता हूँ। बट यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, बट वैली कितनी प्यारी लग रही है नीचे देखना। वो आसमान देखो यार नीला कलरफुल बहुत ज्यादा।